हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैंची की धार को कैसे सही किया जाता है घर पर, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को बताऊंगी। तो मेरा कैंची जो है बिल्कुल इनका धार ख़त्म हो गया है, अच्छे से कपड़ा को बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। तो देखिए, मैं इधर आप सभी को दिखा रही हूँ मेरा कैंची कैसे कपड़ा को काट रहा है। और ये ना जो साड़ी वाला कपड़ा होता है उनको तो बिल्कुल भी काट नहीं पाता है। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी ठीक करके, और आप सब पूरा वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो मेरा कैंची में जंग भी काफ़ी ज़्यादा लग गया है, तो मैं इसमें तेल लगाऊंगी। ये है मशीन में डालने वाला तेल, तो इसको मैं कैंची में लगा के घिसूँगी। और मेरा तेल का डब्बा को भी चूहा काट दिया है, तो तेल गिर गया। और इधर मैं कपड़े में तेल लगा ली हूँ और अच्छे से इनका मालिश कर रही हूँ, यानी कि ठीक से रगड़ रही हूँ ताकि इसका जो जंग है वो ठीक हो जाए। वैसे तो पूरी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ क्योंकि तेल से, और जो लोहा को जो साफ़ करते हैं वो वाला नहीं है मेरे पास, मैं लेकर के नहीं आई हूँ। अगर किसी दिन मार्केट जाऊंगी तो मैं लेके आ जाऊंगी। तो अभी इनको अच्छे से मैं पोंछ लेती हूँ, और थोड़ा सा नहीं चल रहा है तो अच्छा से तेल भी डाल डाल के इनका साफ़ कर रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा इसमें जंग बैठ गया है, तो देखिए अभी ना मैं चला के देख रही हूँ पर टाइट लग रहा है, अच्छे से ये चल नहीं रहा है। तो फ्रेंड, आप लोग का भी अगर कैंची है, आप लोग भी अगर कपड़ा उपड़ा काटते हैं और आपका कैंची भी ऐसे ही काम नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और पैसा खर्चा करने से घर पर ही अगर हो जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और अभी तो मेरे साइड जो धार करने वाले आते हैं ना, वो लोग आते भी नहीं हैं, और कहाँ पे ठीक होता है वो मुझे मालूम भी नहीं है। तो अपने तरीके से मैं घर पे ही बना रही हूँ, और कितना भी रगड़ रही हूँ पर ये साफ़ नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का फुल्का जो है साफ़ हो गया है। तो अब इनको मैं अच्छे से कपड़ा से पोंछ दे रही हूँ, और इनका धार को भी मैं सही करूँगी। और इनका धार को सही करने के लिए मैं उस साइड में जो दिख रहा है ना, उनको हम लोग रेती बोलते हैं, जो लोहा सबको वहाँ से काटते भी हैं और धार भी होता है उससे। तो अभी मैं उससे ही ठीक से करूँगी। पर यहाँ देखिए, मेरा कैंची का नट भी जंग के कारण टाइट हो गया है, तो अंदर के साइड में तेल डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से ढीला हो जाए और कपड़ा काटते समय मुझे तकलीफ ना हो, अच्छे से काट पाऊँ। तो देखिए, थोड़ा सा अभी तेल डाल दी हूँ और कुछ देर रहेगा ना तो ठीक हो जाएगा। तो इधर देखिए, मैं आप सभी को कपड़ा काट के दिखा दे रही हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा अपना कैंची में धार भी बना ली हूँ, तो काट के दिखा रही हूँ। और अभी ना ये थोड़ा सा ठीक हो गया है, पर मैं और धार बनाऊँगी। तो अभी देखिए, थोड़ा मोड़ा ठीक हो गया है। अब इसको और एक बार रगड़ लेते हैं। और ये ना सीधा साइड जो है, मैं अंदर की साइड रगड़ के दबा रही हूँ, और उल्टा साइड से बाहर तरफ रगड़ना है, क्योंकि दोनों साइड का धार इसमें अच्छे से बनेगा तभी ये कपड़ा को ठीक से काट पाएगा। तो अभी मैं अपने पैर से दबा ली हूँ क्योंकि अच्छे से नहीं बन रहा था इसीलिए, और ठीक से एक साइड मैं रगड़ के दबा दी हूँ। अब उल्टा साइड में देखिए मैं कैसे रगड़ रही हूँ, वैसे ही आप सभी को भी रगड़ना है। तो इधर से मैं बाहर की साइड निकाल रही हूँ, रगड़ते हुए ला रही हूँ उस रेती को, तो अच्छे से ये अभी धार हो जाएगा। तो आप सब वीडियो को देखते रहिए, मैं आप सभी को और भी कपड़ा काट करके दिखाऊँगी कि ये ठीक से सही हुआ या फिर नहीं। और इनके
शुरू से आखिरी तक अच्छे से रगड़ना है, ताकि किनारे भी काटना पड़ता है जब हम लोग बटन वगैरह डालते हैं तो कैंची के आखिरी छोर में ही काटना पड़ता है। और इधर देखिए मैं कपड़ा को काट रही हूँ, तो अभी काटने को तो अच्छा कट रहा है पर धार में थोड़ा सा कपड़ा लटक रहा है, और ठीक से हो गया है। अभी मैं अपना काम चलाऊँ अपना घरेलू उपाय से कर ली हूँ, आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। तो देखिए अभी अच्छे से कपड़ा को काट पा रहा है मेरा कैंची। और फ्रेंड आज का वीडियो मेरा कैसे लगा आप सभी को? अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।